खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां तहसील क्षेत्र के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर स्थित गांव सिसैया में जलभराव और बाढ़ की विभीषिका से बचाव को लेकर सिंचाई विभाग द्वारा खोदे जा रहे नाले को गांव के कुछ दबंगों ने रोक दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। वही आक्रोशित दर्जनों ग्रामीणों ने जनहित में सिंचाई विभाग द्वारा खुदाई कराए जा रहे नाला निर्माण को सुचारू कराने के लिए खटीमा उप जिलाधिकारी रविन्द्र बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि सिसैया में 12 फीट चौड़ा 3 किलोमीटर लंबा सिंचाई विभाग द्वारा सरकारी नाला निर्माण कराया जा रहा है। नाला निर्माण हो जाने से आसपास के कई गांवों के साथ ही सैकड़ों किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं बाढ़ की विभीषिका और जलभराव से निजात मिलेगा, साथ ही क्षेत्र के समस्त किसान खुशहाल होंगे, किसानों की फसलें बर्बाद होने से बचेंगी। ग्रामीणों ने कहा कि कुछ लोगों ने निजी स्वार्थ के चलते नाला निर्माण कार्य को रोक दिया है। ग्रामीणों ने जनहित में नाला निर्माण कार्य में बाधा न डालने तथा नाला निर्माण को निर्बाध रूप से सुचारू करने हेतु जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। वहीं जिलाधिकारी रविन्द्र बिष्ट ने बताया कि सिसैया में सिंचाई विभाग द्वारा 3 किलोमीटर लंबा सरकारी नाला का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको गाँव के ही कुछ लोगों ने विरोध कर रोक दिया है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर फोर्स की मौजूदगी में नाले का निर्माण कराया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को जलभराव की समस्या से निजात मिल सके। नाला वही हमारा जो है नाले का है। क्या है नाले में? नाले में रुकावट हो गया है, कुछ दमंग लोग रोक रहे हैं, कुछ लोग 10 पात। किस गांव का मामला है? सिसैया का है। कितने किलोमीटर खुदाई है? 13 किलोमीटर। आपको उससे फायदा होगा कि एक दो क्या नाम है कि जल निकासी हो जाएगा बरसात का, सीनल भी खत्म हो जाएगी। फायदा होने वाला वो लगभग 3-4 गांव का फायदा हो जाएगा, 4 गांव सब है, 4 का फायदा हो जाएगा। अभी नाला नहीं खोद रहा था तो बिल्कुल सब लगभग 50% नुकसान हो रहा था। ये गन्ना और गेहूँ हर लाही वगैरह हर एक फसल का अब चाह रहा है कि महोदय से यही निवेदन मेरा है कि जल्द से जल्द इसको नाले का खुदाई शुरू कराए, जिससे गरीब लोग इस समस्या हल हो। सिसैया के काफ़ी ग्रामीण मेरे पास आए, उनकी शिकायत ये है कि जो सिंचाई विभाग द्वारा वहाँ पर नाले का निर्माण किया जा रहा है, जो करीब 3 किलोमीटर लंबा है, जिससे जो जलभराव की स्थिति वर्षा काल में होती है उससे निजात पाया जाएगा, तो इसमें कुछ ग्रामीणों द्वारा उसका विरोध किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मैंने इसमें इनको कह के आश्वासन दिया है कि अगर इनको फोर्स की जरूरत होगी तो हम फोर्स और हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे और ये नाले निर्माण हम करवाएंगे किसी हालत में भी, क्योंकि इससे हमें जो जलभराव की स्थिति उससे निजात मिलेगी।